अगर कोई स्टूडेंट क्लास नाइन्थ में फेल हो जाए, कोई स्टूडेंट क्लास टेंथ में फेल हो जाए, इलेवेंथ में फेल हो जाए, ट्वेल्थ में फेल हो जाए, अब इसके आगे बहुत लंबा करियर है, लेकिन ये जो डेंट लगता है मेंटली कि मैं नाइन्थ नहीं कर पा रहा आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं टेंथ नहीं कर पा रहा आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे एक साल रिपीट करना पड़ेगा, पुराने बच्चों से पीछे रह जाऊंगा मैं, मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, अब मैं क्या करूं। हमारा एक डेटा है कि जो बच्चा टेंथ या ट्वेल्थ में फेल हो जाता है उसमें से 80% ऑफ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं। रीजन ये है वो सोचते हैं मैं टेंथ नहीं कर पा रहा हूँ, आगे की बड़ी क्लास कैसे करूंगा, इलेवेंथ कैसे करूंगा, ट्वेल्थ कैसे करूंगा, तो वही उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। लेकिन अगर हम इसको यही सोल्यूशन दे दें, अगर इसका साल यही बच जाए, अगर ये वापस उन बच्चों के साथ चला जाए जो पहले उसके साथी थे, तो वापस वो अपने सिस्टम में आ सकता है, अपने ट्रैक पे आ सकता है, और ऐसे बच्चे आगे जाके क्या पता बहुत अच्छा कर जाएं। मैं एक स्टूडेंट का बताऊं आपको, 2017 में एक स्टूडेंट था राजन, उसका 10th CBSE का रिजल्ट आया, उसके पांच सब्जेक्ट्स थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस। ही स्कोर्ड 90 इन हिंदी, 85 इन इंग्लिश, 75 इन साइंस, 13 इन मैथ एंड 92 इन सोशल साइंस, विच मीन्स ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, बट ही वॉज वेरी गुड इन रेस्ट। उनके हिंदी में नंबर अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, सोशल साइंस में अच्छे हैं, बट ही इज नॉट मेड फॉर मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता था। अब उनके फादर हमारे लोग थे, वो हमारे पास आए कि सर हमारा बच्चा टेंथ नहीं कर पा रहा है, अब कल से मैं इसको बिजनेस में लगा देता हूँ, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई इसमें उससे नहीं हो पाएगी, तो एक काम करते हैं इसको ड्रॉप कराते हैं और इसको हम धंधा करवाएंगे, हमारे को पढ़ाई नहीं करानी है। मैंने कहा ऐसा मत करिए, बच्चे का जब बाकी स्कोर इतना अच्छा है तो बच्चे में कैलिबर जरूर है, आप उसको NIOS से जोड़े, हो सकता है वो बच्चा ट्रैक पे आ जाए। हमने उसका एग्जाम NIOS से कंडक्ट कराया, विद इन 45 डेज पूरे राजस्थान में उसकी फर्स्ट रैंक आई। हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, ये सब्जेक्ट हटा दिया, हमने उनको कहा आपको मैथमेटिक्स नहीं होती, काम करिए इसके लिए कंप्यूटर्स कर दीजिए, कंप्यूटर्स कर दिए हमने। अब उस बच्चे का बाकी सब्जेक्ट पहले ही अच्छा था, कंप्यूटर्स का एग्जाम एडिशनल का NIOS से दिया, नाउ 2017 की बात बता रहा हूं मैं, अब 2019 में उसने 12th किया और इस साल वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, DY पाटिल मुंबई, और उसका पैकेज लगा है 7 डेज पहले ऑफ 32 लैक्स। और अगर वो यही ड्रॉप कर देता तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। NIOS बेसिकली जो लोग किसी भी क्लास में फेल हो जाते हैं, हर स्कूल में ऐसा बच्चा होता है जो 9th नहीं कर पाता, 10th नहीं कर पाता, 11th या 12th, 5-7% 10% बच्चा आपको हर स्कूल में मिलेगा जो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उस बच्चे की उम्मीद खत्म ना हो, वो बच्चा ये नहीं सोचे कि मुझे एक सब्जेक्ट नहीं आता इसका कारण यह मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। तो सबसे पहले NIOS किन के लिए है, उन बच्चों के लिए जो किसी भी क्लास में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, अगर वो किसी भी कारणवश किसी भी क्लास में, कभी कभी पारिवारिक कारण भी होते हैं, किसी के हमने देखा है किसी के फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, सडनली वो पढ़ नहीं पाया उस साल, वो पहले बहुत ब्राइट था, अगर उसका साल खराब हो रहा है, तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है NIOS।